हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज गार्डन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लौकी के हरे भरे कबाब जो बहुत ही यम्मी होते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ मैंने एक बॉटल गार्ड लिया है, यानी कि लौकी, और उसको अच्छे से पील कर लिया है। अब हमें इसको वॉश करना है और इसको छोटे छोटे से क्यूब्स पे कट कर लेना है। और इसका जो मिडिल पार्ट है ना, जो सीड्स होते हैं, उसको हमें रिमूव करना है। अगर आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो तो आप उसको रख सकते हैं, अदरवाइज उसको रिमूव कर देना है। और उसके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ मैंने एक कुकर में लौकी हाफ बाउल चना दाल, जिसको मैंने हाफ एन आवर के लिए सोक करके रखा था, 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 स्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 स्पून गरम मसाला, 1/2 स्पून सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। और बहुत ही कम क्वांटिटी में हमें इसमें पानी ऐड करना है। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि लौकी भी अपना काफ़ी सारी पानी रिलीज करती है। अब हमें कुकर की लिड बंद करके इसको 2 विसल्स लेनी है और उसके बाद 10 मिनट्स के लिए स्लो गैस पर पकाना है। यहाँ हम ब्रेड क्रम्स रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने 2 ब्राउन ब्रेड लिए हैं, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। अब यहाँ मुझे 2 विसल्स और 10 मिनट्स स्लो फ्लेम पर हो चुका है। अब देखिए, मैंने कुकर ओपन किया तो मेरा पूरा अच्छे से लौकी और चने की दाल पक चुका है और इसमें पानी भी नहीं बचा। अगर आपका पानी रहता है तो आप उसको हाई फ्लेम पर पानी को सुखा सकते हैं। हमें इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रखना है, उसको बहुत अच्छे से ड्राई कर लेना है, तभी हमारा कबाब अच्छे बनेंगे, अदरवाइज़ हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए कुकर में, उसको बहुत अच्छे से हमें ड्राई आउट कर लेना है। यहाँ मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब चलिए हम इसमें बाकी के और इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे। इसके अंदर अब मैं मिलाऊंगी धनिया पत्ती, पुदीना, और यहाँ मैंने 3 ग्रीन चिलीज कट कर लिया है, उसको मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। हमने पहले भी रेड चिली इसमें ऐड कर चुकी थी। अगर इस पर आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको स्पाइसी बना सकते हैं, आपको और चिली भी ऐड करनी है और चिली भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने अब इसमें ब्रेड क्रम्स और चाट मसाला ऐड किया है और अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ याद रखने वाली है, हमें ये मिक्स करने के बाद जो हमारा मटेरियल बन रहा है, इसको हम 1 आवर के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे, तो इससे हमारे कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। आप इमिडिएटली भी बना सकते हैं, लेकिन आपका रिज़ल्ट, अगर आप इसको 1 आवर के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे तब ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। हमारे कबाब की शेप्स भी बहुत अच्छी आएगी और बहुत क्रिस्पी भी बनेंगे। स्मॉल स्मॉल पोर्शंस लेकर मैंने इसको एक शेप दे दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा जैसा भी शेप आपको चाहिए आप उसको दे सकते हैं। हाँ, मैंने सारा शेप्स दे दिया है। अब इसको हमें ब्रेड क्रम्स में डस्ट करना है और फ्राई कर लेना है। हमें इसको डीप फ्राई नहीं करना, सॉलो फ्राई करना है। स्टार्टिंग में हमें फ्लेम को हाई रखना है, उसके बाद लो मीडियम पर फ्राई करते रहना है। ऑलरेडी हमारा चना और लौकी ऑलरेडी कुक्ड है, तो इसलिए सिर्फ हमें इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर लेना है।
इसको फ्राई होने में फ्रेंड्स आपको ऑलमोस्ट 6 to 7 मिनट्स का टाइम लगेगा। फ्रेंड्स यहाँ हमें कबाब को 2 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, उसके बाद हमें इसको टर्न करना है क्योंकि स्टार्टिंग में ही काफ़ी लूज़ रहता है और अगर हम इसको बहुत जल्दी से टर्न करेंगे तो ये टूट भी सकता है, इसलिए इसको हमें थोड़ा वेट करना है 2 मिनट्स का, उसके बाद टर्न करना है और फिर टर्न करने के बाद फिर से 2 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा टर्न नहीं करना है और 2 to 3 times ही टर्न करना है और ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब यहाँ मेरे सारे कबाब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इनको 1 by 1 निकाल लूँगी। आजकल हमारे बच्चे लौकी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इनको कबाब की रेसिपी बनाकर खिलाएंगे ना तो मे भी आगे चलकर ये उनकी वन ऑफ द फेवरेट रेसिपी बन सकती है। हम इन्हें स्नैक्स में, स्टार्टर्स या चाय के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।